2 लाख रुपए नगद, एक अपाची बाइक और एक सोने की चेन चाहिए। बाप को बोलो, नहीं तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो गए। जाओ और जो बोला वो लेकर आना, नहीं तो जान से मारकर तुमको और बच्चों को भी फेंक देंगे। ये सुनते ही संजू के होश उड़ गए। संजू ने खूब मिन्नत गुहार लगाई, बोले इतना कहाँ से ला पाएंगे, बाबूजी गरीब हैं, जितना औकात था शादी में दे दिया। मगर अजय का दिल नहीं पसीजा, उसने मारपीट कर संजू को घर से निकाल दिया। ये इल्जाम है संजू देवी का। संजू ने बताया कि वो रोते बिलखते अपने बच्चों के साथ मायके पहुंची। 5 अगस्त 2020 से मायके में रह रही है। इतने दिनों में कोई पूछने भी नहीं आया। पिता गरीब है, किसी तरह हमारा और बच्चों का पेट भर रहा है। कई बार पंचायती भी हुई मगर कुछ नहीं हुआ। फिर भी संजू को उम्मीद, कभी तो अजय का दिल पिघलेगा और वो उसे और बच्चों को ले जाएगा। संजू के पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब उसे पता चला कि अजय ने किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली। वो भागे भागे गिरिडीह के गावा थाना पहुंची, पति अजय के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। संजू के आवेदन के आधार पर पुलिस ने अजय यादव को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अजय गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र के साह गांव का रहने वाला है। वहीं संजू गिरिडीह के ही तीसरी प्रखंड के मंजिला डी गांव की रहने वाली है। संजू के 2 बेटे हैं, 8 साल का हिमालय और 6 साल का शिवासु। संजू की शादी 2010 में अजय यादव से हुई। सुने क्या बोली पीड़िता संजू और उसके पिता। यादव का साथ में मेरा लड़की का शादी हुआ है और हम लोग दान दहेज दे करके 2 लाख रुपया दे करके शादी किए थे। उसके बाद में जब हमारी लड़की जाने लगा, 2 गो बच्चा हुआ, तब वो कहा कि फिर 2 लाख रुपया नगद लाओ, अपाची गाड़ी लाओ, सोना का चेन लाओ, तब हम तुम्हारी रखेंगे। मार पीट करके ही 4 बजे सांझ अजय यादव और सास भगा दिया है। उस फिर कहा कि तुम 2 लाख रुपया लाएगा, अपाची गाड़ी लाएगा, सोना का चेन लाएगा, तभी तुम्हारी रखेंगे, नहीं तो हम दूसरा शादी कर लेंगे। और कर लिया। खाने पीने कुछ नहीं देता। जब सुने कि बोला उनके पति भी शादी कर लिया दूसरी, लेकिन सब थाना आई तो कुछ नहीं है। 3 बार कारण दिए थाना में, कुछ भी सुनवाई नहीं। जब भी देखा मार पीट के भागा।